राजनगर साहब, ये पूरा क्या मामला है? ये जो फेरी वाले हैं जो इनलीगली तरीके से आज व्यापार कर रहे हैं, उनके वजह से जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उस व्यापारी को तकलीफ हो रही, इसके बारे में मनसे की क्या भूमिका रहेगी? दिन ब दिन नाला सफारा में फेरी वाला अवैध रूप से धंधा करने वाले फेरी वालों का मुद्दा व्यापारियों ने आगे लाया है और काफ़ी आक्रामक व्यापारी यहाँ पर हो चुके हैं। सहनशीलता का उनका अंत हो गया है। जो भाड़ा देकर के जो खुद का गाला खरीद के वो खुद का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं ताकि फेरी वाले उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तौर पे वो सारे एकजुट होकर आज ये फेरी वाला मुक्त नाला सफारा करने के लिए आगे आए हैं। इस तौर पे उन्होंने आपस में एकजुट होते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका, ट्रैफिक विभाग, RTO और पुलिस स्टेशन को निवेदन सादर करते हुए ये फेरी वालों को तुरंत हटाने के लिए और डेली कार्रवाई करने के लिए और पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए और फेरी वालों को संरक्षण देने वाले को उनसे हफ्ता लेने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बीच में जिस 10 दिन से इनका लड़ाई शुरू हुई है, ऐसे बीच में उनको कहीं से हरेसमेंट किया जा रहा है, उनके ऊपर है ना बेकायदेशी रीति उनको धमकी दिया जा रहा है। ऐसे तौर पे उनके भी जान को कहीं ना कहीं खतरा होने की संभावना है। ऐसे तौर पे एक व्यापारी होने के नाते आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना व्यापारियों के पीछे सक्षम खड़ी है और हमारे कोई भी व्यापारी बंधुओं को अगर आस आती है और उनके अगर सर के बाल को भी एक तकलीफ होती तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना फेरी वालों को अपनी जगह दिखाओ। धन्यवाद जयेश जी। ये पूरा क्या मामला है? बहुत दिन से आप ये सारी चीज़ों को जितना हो सकेगा उतना आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप शासन प्रशासन को पुकार लगा चुके हैं, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर के? आप बहुत गंभीर है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं दरबारी माली एक कपड़ा व्यवसायी और समाज सेवी की हूँ। पहले 10 दिनों से मैं डी विभाग कमिश्नर सब जगह मेरा जो लेटर दिया है फेरी वाले के विषय में, फेरी वाले का विषय ऐसा है कि वो सब व्यापारियों के दुकान के सामने बैठ गए, उठने के लिए राजी नहीं है और वहाँ पे जगह भर से जो हफ्ता वसूली होकर नगर पालिका को दे रहे और नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी हमारे व्यापारी भाई उस विषय में जागृत हुए हैं और कोरोना काल में अभी हम व्यापारी उभरे भी नहीं है कि हमारे कोई ट्रेड लाइसेंस लगा दिया, फेरी वाले आगे बैठ गए, अभी हम लोग का भाड़ा भी नहीं निकल रहा और व्यापारी ये विषय में आगे आ रहे हैं और हम इधर उधर पुलिस स्टेशन वगैरह नगर पालिका वगैरह हमारा जो भी मेडिकल और कार्रवाई करने के लिए। क्या आपसे प्रशासन के जो अधिकारी है उनसे आपकी अभी क्या बात हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो आज हमारा सुरेंद्र पाटिल से मीटिंग था 4 बजे का रखा था, लेकिन बोलते हैं उनका भी बदली हो गया करके, उधर जा रहे तो कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है करके, अभी तो कुछ ठोस किसी ने कुछ आश्वासन दिया। अगर आपका प्रशासन शासन प्रशासन बात नहीं सुनती तो आपके आगे की क्या रणनीति हो? अभी हम 7 दिन और इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद व्यापारी रास्ते पर उतर के आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।